हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमने मोबाइल मंगाया है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का। इसको हम अनबॉक्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मोबाइल आ चुका है हमारे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ये काफ़ी दिन लग गया लॉकडाउन की वजह से मेरे पास आने में। जैसा कि वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, ये हम लोग की अनबॉक्सिंग की वीडियो है। ये आज हमने फ़ोन मंगाया है, वीडियो में मैंने आपको आगे बताया भी। तो ये फ़ोन की बॉक्स है और हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट का छोटा सा बिल है जो इसके साथ हमें मिला हुआ है। तो ये आपको रोशनी में थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैमरा एंगल हमारा सही नहीं था, हटा लेते इसको हम। ये रहा हमारा बॉक्स, फ़ोन का बॉक्स। ये है सैमसंग F62, मॉडल नंबर है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से बॉक्स है इसका। तो इसको हम ओपन करेंगे आज, और इधर इसकी कुछ IMEI नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, मॉडल नंबर, इसके फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस जो भी हैं इसके सारे दिए गए हैं इसमें। तो बॉक्स तो मोबाइल बॉक्स है भाई, और हमें में भी एक मोबाइल यूज़ के लिए लेना था, तो हमने कहा क्यों ना आपको अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू दिखाया जाए। ये मोबाइल इस तरह से कुछ है, और ये रहा इसका चार्जर भी है, और ये मोबाइल देखिए। कलर हमने ब्लैक मंगाया हुआ है, ब्लैक पूरा ब्लैक नहीं कह सकते इसको, ये स्लेटी टाइप में है, स्लेटी ब्लैक टाइप। ये इसका चार्जर है, ये आई थिंक 25 वाट का चार्जर है हमारा, पे आपको क्लियर नहीं होगा। सी टाइप चार्जर है पूरा, मतलब इसकी दोनों पिंस, दोनों चार्जर की दोनों साइड सी टाइप चार्जर है। और बाकी इसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, हेडफोन ऐसा कुछ है, ईयरफोन हेडफोन कुछ ऐसा मिलता नहीं है। और इसका सिम इजेक्टर टूर है इस साइड में, और कुछ इसके मैनुअल्स हैं, आप निकाल रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए। इसमें कोई आपको बैक कवर भी नहीं मिलता है फ़ोन में, और ये आपका सिम इजेक्टर है बस, और कुछ इसके आपके लेटर्स हैं, लव लेटर सैमसंग का हम लोग के लिए। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी जिसको, वो अपना इसको रीड कर सकते हैं कुछ भी गाइडेंस के लिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल पे। तो आपको दिख सकता है यहाँ पे चार्जर है, ये प्रेम पत्र वगैरह सब हटा लेते हैं हम। मोबाइल है, इसको जैसे था मैं ऐसे हटा देता हूँ, रखा रहेगा घर पे, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये मोबाइल चार्जर, ये सिम इजेक्टर। तो ये मोबाइल एक्चुअली हमें बहुत सफिशेंट मिल गया, मतलब प्राइस इसकी हमें बहुत अच्छी लगी लॉकडाउन की वजह से। और कुछ फ्लिपकार्ट पे चल रहा था ऑफ़र, उसमें हमने लिया कि मोबाइल हम ऑन कर रहे हैं, और ये ऑन हो रहा है, ऑन होने दीजिए इसको। तो ऑफ़र में हमें बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया, मतलब ये हमें 14,000 में मिला कार्ड पेमेंट में। मैंने एक्सिस के पेमेंट यूज़ किया, एक्सिस का क्रेडिट कार्ड, उससे हमें 14,000 में ये मिला। तो कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले अगर आपको दिखेगा, मोबाइल हाथ में भी लेने गेम खेलने के लिए, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है ये, पीछे से पूरा एकदम 4 कैमरे का ये सेटअप, जो बहुत ही अच्छा खासा लुक देगा आपके फ़ोन को। और एकदम ग्लास ग्लॉसी टाइप का पूरा मैट फिनिश है इस पर, ग्लॉसी फिनिश है सॉरी, मैट फिनिश तो रबड़ ही हो जाता है। सी टाइप पोर्ट है इसका, हेडफोन जैक पोर्ट है, पूरा बेजल टाइप बहुत कम ही है, 99.9 है। और ये रहा इसका आपको जो इंटरफेस है फ़ोन ऑन होने के बाद, और भी हम इसका इंटरफेस आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसके फीचर्स हैं, ऊपर से आपको इसका वाईफाई इंटरनेट वगैरह सब कुछ सेटिंग मिल जाती है। फ़ोन के अबाउट में देखिए, ये अभी इस पर स्क्रीन पर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको आगे इसका स्क्रीन दे दूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, उसमें पूरा दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली है। ये मैं जब आज रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं
करीब मैं 20 डेज इसको यूज़ कर चुका हूँ मोबाइल को, तो मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छे लगे हमें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है, आते हैं इसके फीचर्स में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो पहले से होगी, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, और बाकी चीज़ें हमने इंस्टॉल की है। और आप देख सकते हैं इस पे, एक्चुअली इसमें हम सेटिंग में आते हैं इसके, और इसको आपको फ़ोन का अबाउट दिखा देते हैं। या आप मॉडल नंबर हमारे देखिए, फ़ोन का है गैलेक्सी F62, और इसके EMI नंबर, जो भी सारी चीज़ें इसमें देखिए। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हम दिखाते हैं आपको, एंड्रॉयड 11 है जो कि नो डाउट अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का। तो बाकी इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें एक नॉक्स वर्जन है जो कि इसका सिक्योरिटी वर्जन है, थंब के लिए और मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए। और इसका मैं आपको कुछ और इसमें चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं ये फ़ोन की जितनी सारी सेटिंग्स है, वाईफाई इसमें 5G वाईफाई सपोर्टिंग है, तो अभी तक का लेटेस्ट है ये। और आपको इसमें बहुत सारी फ़ीचर्स मिलेंगे जो अभी तक तो सैमसंग में हैं, लेकिन कुछ अपडेट होकर ही आगे आए हुए हैं। तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले है इसमें, एक अच्छा ये रहा, जैसे हमारे जो गेमर भाई हैं, तो गेम लॉन्चर ये वर्क ये करता है कि जब आप गेम प्ले करते हैं तो आपको किसी की कॉल आना, वो कॉल किस तरह से आपको शो होनी चाहिए, या आप कॉल नहीं चाहते हैं, या उस कॉल पे आपको कोई मतलब ऐसा कोई मैसेज रिप्लाई करना है तुरंत, तो ये सारी सेटिंग होता है इसके लिए। इसको गेम लॉन्चर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बग में इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसकी सारी सेटिंग्स हैं और ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आया हुआ है मोबाइल, ठीक है 128 GB स्टोरेज के साथ, तो बहुत अच्छा है मोबाइल, तो हमें बहुत अच्छा लगा। स्मूथ भी है काफ़ी, बिल्ट क्वालिटी तो में कोई डाउट नहीं है इसके। बाकी आप देख सकते हैं मोबाइल तो हमें बहुत अच्छा ही लगा है। तो जैसा भी है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कोई नया मोबाइल लेने का इस प्राइस पॉइंट में। तो बने रहिए वीडियो में, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कुछ मोबाइल्स के अनबॉक्सिंग लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन्हें भी अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।